उत्तर प्रदेश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में भी निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के दीवान का बाजार स्थित कार्यालय पर प्रतिदिन विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने के संभावित प्रत्याशियों द्वारा आवेदन किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में महानगर के वार्ड नंबर 57 से शन्नू खान ने अपना आवेदन पत्र निवर्तमान महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी शानी अली शानू को पेश किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर वे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, क्या नाम है आपका? किस वार्ड से आपने आवेदन किया? 57 से। क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव मैदान में उतरना था? इधर के लोगों का कुछ साक्षरता को लेकर, कुछ मानने की और समस्याओं को लेकर। क्या मानते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा शिक्षा का पढ़ाई लिखाई के साथ अभियान। विकास कार्य हुए हैं वो आपके वार्ड में? विकास कार्य होते हैं, लेकिन किस तरीके से होने चाहिए? क्या मानते हैं, आपके क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं मिल पा रहा। क्या प्रयास रहेगा आपका? हमारा प्रयास रहेगा क्या, जिसका जो हक है उस तक पहुंचे। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से ये अपील करता हूँ कि अपना साथ देकर मुझे कामयाब बनाए और फिर मैं कुछ खिदमत कर सकूँ। इस मौके पर शन्नू खान के साथ वसीम अली, फैसल खान, मशहूर मंसूरी, मासूम मंसूरी, महमूद मंसूरी, हाशिम अली, सिकंदर रजा, मोहम्मद जान और शाह आदिल सहित अनेक समर्थक मौजूद रहे। इनके अलावा महानगर के वार्ड नंबर 53 जयंतीपुर से हसनैन अली ने अपना नामांकन पत्र निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू को पेश किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। विकास को मुख्य मुद्दा बताते हुए हसनैन अली ने आगे कहा, क्या नाम है आपका? हसनैन जी, आपने किस वार्ड से आवेदन किया है? 53 वार्ड। 53 में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं? वार्ड 53 में नारायणपुर। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं? और क्या मानते हैं, आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या बहुत। क्या समस्या है, मुख्य समस्याएं है, क्या है? एक तो बूथ एक है हमारे यहाँ, बूथ बढ़ाने की मतलब, और रास्तों की बहुत समस्या खराब है। नगर निगम के लोग नहीं आ पाते, नालिये कूड़ा कचरा सब है। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा साहब यही रहेगा हमारा, क्या आने वाले टाइम में हमें कमी मिलेगी, काम बन जाएगा। क्या मानते हैं, आपके क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह मिल पाता है या नहीं? नहीं मिल जाता। तो आपका क्या प्रयास रहेगा? प्रयास हमारा ये है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जनता को प्रयास करें। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता साहब हमें चुनना चाह रही है, जनता हमें चुनेगी तो हमें नहीं मिला। आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? साहब जनता से ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट जीता करना है और हमें कामयाब करना है। इस मौके पर हसनैन अली के साथ मोहम्मद आमिर, मोहम्मद जुबैर, मुसाफिर, मोहम्मद दानिश, उवैस, नन्ने, कामिल, मोहम्मद अंजार, फहीम अहमद, मोहम्मद आबिद, साकिब एवं आफताब सहित अनेक समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निवर्तमान महानगर अध्यक्ष के अलावा निवर्तमान महासचिव कुलदीप तिरहा, एडवोकेट हाजी अनीसुद्दीन कातिब, तौकीर सिद्दीकी, रईस पारसी, मास्टर रईस अहमद, शारिक कुरैशी, इंजीनियर रहमानुद्दीन, अब्दुल समद, शाहरुख सैफी, मोहम्मद सलमान, नाजिर यासीन, वाहिद सैफी, नाजिम वारसी एवं यूसुफ खलीफा सहित अनेक सपा नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे।